हेलो दोस्तों, आज हमें केसिंग किए हुए 7 दिन हो गया है। ये हमारा 7वां दिन है और आप देख सकते हैं कि साइड से के जाला हमारा केसिंग के ऊपर आ गया है, ये कोने में। तो आज हम इसको रफलिंग करेंगे। आपको रफलिंग के लिए इसी तरह से आपको अपनी कंपोस्ट को, जो आपने 1.5 इंची बिछाई है, उसको आप बस हल्के हाथ से आपको खबरना है, जिससे जो जाला आपका जो फैला है वो जाला आपका इस केसिंग में मिल जाए और एक समान जाला जब बाद में ये माइसीलियम रन हो तो आपका ये जाला एक समान पूरे बैग में आए। इसलिए हम लोग रफलिंग करते हैं। रफलिंग के एडवांटेजेस यही है कि एक तो क्या होता है, अगर आप लगातार वाटरिंग कर रहे हैं तो एक मैट बन जाती है। तो वो मैट क्या करती है कि वो मशरूम को ग्रो नहीं करने देती है और एक तरीके से वो एक पतली थिन लेयर क्रिएट कर देती है। तो जब हम उसको रफलिंग करते हैं, रफलिंग हम करेंगे 7 दिन के बाद, जब हम देखेंगे कि हमारे बैग में ऊपर केसिंग के ऊपर अगर वाइट वाइट सा, उस तरह का, आप देख सकते हैं आगे रखा बैग है, उस तरह का वाइट वाइट माइसीलियम ऊपर तक आ जाए, तब हम हल्के हाथ से उस केसिंग को खबर देते हैं और उसको पूरे बैग पे एक समान मिला देते हैं, जिससे वो जाला जब दोबारा बनेगा तो वो पूरे बैग में एक समान बनेगा और पूरी भर के मशरूम आएगी पूरे बैग में, ना कि पैचेस में आएगी जो स्मॉल स्मॉल पैचेस होते हैं। तो पूरे बैग में एक समान मशरूम आएगी, ठीक है। बट इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। जैसे मान लीजिए ये मेरा बैग है, मैं इसमें रफलिंग कर रहा हूँ, पर अगर मैंने इसको बैग में ना रख कर, मैंने इसको अगर 6 इंची की मोटाई में मैंने सिर्फ बेड बनाया होता लंबा और 6 इंची माल डालता मैं उसके अंदर और एक समान वो बैग रहता, ठीक है, 10 केजी का बैग नहीं, वो फिर एक तरह से मान के चलो बेड हो गया, ठीक है। तो उसमें रफलिंग करने से ये प्रॉब्लम भी हो सकती है कि इन केस मान लीजिए कि मेरा किसी कोने में कोई बीमारी फैली हुई है, ठीक है, तो वो उसी कोने में रहेगी जब तक हम उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। बट जब हम उसको रफलिंग कर देंगे तो हो सकता है कि उस कोने का वो बेड जो केसिंग है वो फैल कर मिक्स होकर आपके अच्छे वाले केसिंग की तरफ आकर उसको भी ख़राब करने लग जाए। तो ये डिसएडवांटेजेस होते हैं रफलिंग के। और दूसरा, रफलिंग आपको तब करने की ज़रूरत होती है क्योंकि अमूमन हम लोग बैग में 1.5 इंची का माल डालते हैं, पर आप भी जानते हैं कि कहीं 1 इंची, कहीं 1.5, तो कहीं 2 इंची, तो कहीं आधा इंची भी माल पड़ा होता है। तो जब हम लोग 7 दिन बाद हमें ये पता चल जाता है एक्यूरेट कि हमारे किस बैग में केसिंग की कमी है, किस बैग में हमने कम केसिंग डाली थी, क्योंकि वहाँ पे सबसे पहले जाला ऊपर की तरफ आ जाता है, तो हमें उस जगह पे हल्के हाथ से, या तो फिर आप उस पे कवरिंग कर दीजिए। अगर आपको वहाँ आधा इंची माल डला है तो आप वहाँ पे कवरिंग का भी सहारा ले सकते हैं। कवरिंग करने के लिए आपको बस ये करना है कि ऊपर हल्का सा केसिंग डाल, वो केसिंग की थिकनेस आपको अंदाजे से आधी इंची की थिकनेस की केसिंग आपको इस तरह के जाले पे डालनी होती है। आपको ये आपको 7 ही दिन बाद मालूम होगा कि आपको कहाँ पर कम आपसे केसिंग डली है, कहाँ पे ज़्यादा केसिंग डली है, क्योंकि 7 दिन बाद अगर आपकी कम केसिंग है तो ये जाला सबसे पहले ऊपर आ जाता है। तो आप पे दो ऑप्शन है, अगर आप उसको रफलिंग नहीं करना चाहते हैं, आपको लग रहा है कि आपने जो केसिंग डाली है वो मैट फॉर्मेट नहीं बन रहा है, वो एक पतली लेयर, हार्ड लेयर क्रिएट नहीं कर रही है, उसको चेक करने के लिए सबसे आसान तरीका होता है कि आप बैग में हल्का सा हाथ मारिए। अगर आपको लग रहा है कि आपकी केसिंग आसानी से नहीं हट रही है तो मे भी हो सकता है कि वो मैट फॉर्मेट बन गया हो। तब आपको क्या करना है कि हल्का सा रवा कर देना है उस बैग को, ऊपर से ज़्यादा नहीं करना है, आपकी केसिंग केसिंग को रवा करना है, ना कि अंदर तक आपको हाथ घुसा कर उसकी मेन लेयर जो हमारी कंपोस्ट की है उसको डिस्टर्ब करना है। और अगर आप ये रफलिंग नहीं करना चाहते हैं तो आप कवरिंग कर सकते हैं। कवरिंग में बस आपको ये करना होता है कि आपका जो जाला जहाँ फैला है वहाँ पर आप अंदाजे से आधी इंची की केसिंग ऊपर से डाल दीजिए। आप उस जाले को कवर कर दीजिए 7 दिन में। जैसे मान लीजिए कि आज 7 दिन कंप्लीट हो गया, आपको जाला दिखा, तो आज में आप कोशिश करिए कि आपके जितने बैग हैं आपको उसको कवरिंग कर देनी है ऊपर से आधी इंची थिकनेस के साथ में। और इसके साथ ही आप उसे सुबह और शाम फ्रेश एयर देना भी शुरू कर देना है आपको आफ्टर कवरिंग, क्योंकि माइसीलियम ऊपर तक फैल गया है तो यही सिम्टम्स होता है कि अब आपका बैग पिन हेड के लिए तैयार है। तो बेटर रहेगा कि जब आप इस पे
रफलिंग करेंगे या फिर आप इस पे कवरिंग करेंगे, तो उसके बाद आप सुबह 2 घंटा, शाम को 2 घंटा फ्रेश एयर देना आप शुरू कर सकते हैं। बाकी के दिन आप अपना रूम बंद कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं भी जो ये रफलिंग कर रहा हूँ, मैं सभी बैगों पे नहीं कर रहा हूँ, मैं मुश्किल से मान के चलिए कि 20 से 40 बैगों पे ये मैं रफलिंग करके एक प्रैक्टिकल करके देखना चाहता हूँ कि जो मैंने बैग रफलिंग किया है उसका और जो बैग मैंने कवरिंग किया है उसमें प्रोडक्शन में कितना अंतर आता है। क्योंकि मैंने यहाँ पे अभी 1000 बैग रखे हैं, तो मैं 40 में रफलिंग करूँगा, बाकी के बैगों में जो मेरे बच जाते हैं उसमें मैं कवरिंग करूँगा। रफलिंग तो बस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि रफलिंग के लिए भी कई लोग बोलते हैं कि रफलिंग कर लेना चाहिए, अच्छा रहता है। बट मैं आपको यही बोलूँगा कि मैं पहले प्रैक्टिकल करके देखूँगा, अगर प्रैक्टिकल मेरा ये सक्सेसफुल रहता है देन आई विल टेल यू टू अप्लाई इन योर फार्म। बट अभी मैं आपको राय नहीं दूंगा रफलिंग करने का, ठीक है, क्योंकि मैं खुद प्रैक्टिकल करके देखना चाहता हूँ। मुझे भी कई मशरूम ग्रोवर्स ने बोला था कि आप रफलिंग कर दें ज़्यादा बेटर रहेगा, बट प्रैक्टिकल करना ज़्यादा बेटर रहता है। क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियो देखते रहे होंगे, कि मैं 3 जगह से कंपोस्ट परचेस कर रहा हूँ। मेरा यही है कि मैं प्रैक्टिकल करके देखना चाहता हूँ, जो सक्सेसफुल रहेगा उसका रिजल्ट मैं आपको आखिरी में बता दूँगा।